जी शाजिया मरी साहिबा। स्पीकर साहब, ऑनरेबल मेंबर ने जो बात की है, यकीनन हमें एज अ पार्लियामेंटेरियन इस बात पर अफसोस है और उनकी किसी भी बात से मैं इनकार नहीं कर सकती। एज अ कैबिनेट मेंबर आल्सो एंड अली वजीर साहब का भी उन्होंने जो इशू उठाया वो बड़ा जायज़ इशू है। एज अ पार्लियामेंटेरियन इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। मैं कैबिनेट मेंबर बाद में हूँ सर, मैं पहले मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हूँ एंड आई टेक प्राइड इन दैट। और इसमें जो भी इस्तेहकाक एक ऑनरेबल मेंबर का मजरूह हुआ है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ चेयर के इस डिसीशन को कि आपने इसे कमेटी में भेजा है और वहाँ पर इस पर बात होनी चाहिए और इस बात की तह तक पहुँचना चाहिए कि एक ऑनरेबल मेंबर को इस तरह की एम्बैरेसमेंट का सामना क्यों हुआ। सो आई कंप्लीटली अग्री एंड आई एक्सटेंड ऑल सपोर्ट टू द ऑनरेबल मेंबर सर। थैंक यू शाजिया मरी साहिबा। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू that you have been elected as Vice President of Social International and indeed it's an honor for this house. Thank you. जी सायरा बानो साहिबा। शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने टाइम दिया। स्पीकर साहब, मेंबर नेशनल असेंबली भी हूँ और उससे पहले एक खातून भी हूँ, तो तबीयत तबा पे नागवार ना गुजरे तो बसद एहतराम एक चीज़ गोश गुजार करना चाह रही हूँ कि मौलाना साहब मतलब आलिम दीन हैं और इतनी बड़ी जमात के और अपनी मतलब मदारस के भी और सब उसके, तो मैं यहाँ मजम्मत करती हूँ, अब इससे अच्छा कोई अल्फाज मुझे मिल नहीं रहा, कि मतलब जो एक सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल हो रहा है जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, मैं हम उनका बहुत एहतराम करते हैं और उनके नाम के साथ मौलाना और आलिम दीन और वो किन की औलाद हैं, तो मेरी आपसे मतलब ये है कि इस पर अब मुझे नहीं पता क्या अल्फाज बोलने चाहिए, लेकिन ये कि इस किस्म की आगे दोबारा, क्योंकि ख़वातीन सबके घर पे हैं और इस किस्म के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। या आप अपने ड्राइंग रूम में तो बैठ के ये गुफ्तगू कर सकते हैं, जितनी मर्जी गालियाँ देनी है दे लें, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि आप एक इज्तमा में और आप इतने बड़े आलम दीन हो के इस किस्म की ज़ुबान सूट नहीं करती, तो प्लीज़ आप ये मेरा मजम्मत कबूल फरमाएँ। जनाब रफ़ीउल्ला साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो एक बहुत ज़रूरी